चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। जिस गाने का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, आखिरकार वह गाना जारी कर दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह का नया लोकगीत एल्बम के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि 2018 खत्म होने वाला है और 2019 की स्वागत के लिए सुपरस्टार पवन सिंह का नया लोकगीत एल्बम गिफ्ट नया साल के का ऑडियो सॉन्ग जारी कर दिया गया है। जी हां, गिफ्ट नया साल के का ऑडियो सॉन्ग बैड म्यूजिक का ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर जारी कर दिया गया है, जिसे भोजपुरी दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ इस गाने को भारी मात्रा में पवन सिंह के फैंस सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि काफी लंबे समय के बाद पवन सिंह ने न्यू ईयर पर कोई गाना गाया है। जी हां, करीब 2 साल के बाद पवन सिंह ने 2019 के लिए कोई न्यू ईयर सॉन्ग गाया है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा रोमांचित करता है। वैसे आपको बता दें कि एक बार पवन सिंह का तो हैप्पी न्यू ईयर वाला गाना जरूर सुनने का बनता है। अगर आप लोगों ने अभी तक पवन सिंह का नया लोकगीत एल्बम यानी कि गिफ्ट नया साल के का नहीं सुना है, तो आप बैड म्यूजिक का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर सुने, क्योंकि पवन सिंह ने बहुत ही बेहतरीन गाना गाया है। इस गाने को लिखा है जाहिद अख्तर ने और गीतों को मधुर संगीत से सवारा है छोटे बाबा ने। अब इतना तो कंफर्म हो चुका है कि 2019 में अगर किसी पार्टी और में गाना बजेगा तो वो है पवन सिंह का यह गाना। जी हां, पवन सिंह का यह गाना काफी मात्रा में भोजपुरी दर्शकों को पसंद आ रहा है और 2019 का सबसे बड़ा पार्टी सॉन्ग बनकर उभरने की उम्मीद जताई जा रही है।